नमस्कार, प्रस्तुत है मैथ्स फॉर ओलंपियाड सीरीज की 13वीं वीडियो। और इस वीडियो में जो प्रश्न हमने लिया है वो ये है, इफ 4 रेज टू एक्स प्लस 8 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि 4 का घात x प्लस 8 का घात x बटा 4 का घात x बराबर 3, तो x का मान निकालें। और यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 1, 2, 3 और 4। तो आइए चल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि यहां x का वैल्यू क्या आता है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे हम लिखते हैं, 4 रेज टू एक्स प्लस 8 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3। ये सॉल्व करने से पहले एक्सपोनेंट का एक लॉ आप रिकॉल कीजिए, वो ये है ए बी रेज टू एम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम। यहां क्या देख रहे हैं हम कि ये जो एक्सपोनेंट है ये दोनों के ऊपर है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से। इसी को हम लोग यूज करेंगे यहां पर। फोर रेज टू एक्स प्लस, अब 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, और ये ब्रैकेट दिए और एक्सपोनेंट यहां पर एक्स हो गया। ठीक है, अपॉन 4 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3। 4 रेज टू एक्स प्लस, अब देखिए ये जो हमने यहां पर एक्सपोनेंट का लॉ लिखा था इसको अब हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो यूज करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3। और अब देखिए ये प्लस के दोनों ओर 4 रेज टू एक्स है, यहां भी है और यहां भी है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 4 रेज टू एक्स इंटू, इस साइड में देखिए प्लस के लेफ्ट साइड में क्या बच गया, 1 प्लस 2 रेज टू एक्स अपॉन 4 रेज टू एक्स इक्वल टू 3। अब यहां एक गौर कीजिए, यहां ऊपर में 4 रेज टू एक्स है और यहां नीचे डिनोमिनेटर में भी है, तो इसे हम कैंसिल कर सकते हैं ना, ये कैंसिल कर दिया। अब हमारा लेफ्ट साइड में क्या बचा हुआ है, 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3, और 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 1 2 हो गया। अब यहां एक चीज और गौर करें कि ये 2 को हम 2 रेज टू 1 भी तो लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए यहां पर ये इस इक्वल टू साइन है, और इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो बेस है एक ही है, यानी 2 है। जब बेस एक ही है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर 1 है।